हमारे गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और गिज्मो इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस और गिव अवेज की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप अक्टूबर के महीने में एक नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं और आपका बजट है 6000, 8000, 10000, 15000, 20000 या फिर 25000, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि बहुत सारे स्मार्टफोन्स ब्रांड इन प्राइस सेगमेंट में बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च करने वाले हैं और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कौन से है वो स्मार्टफोन्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर के महीने में जो स्मार्टफोन हमें सबसे पहला देखने मिलेगा वो है Infinix Hot 10। Infinix Hot 10 की प्राइस इंडिया में हो सकती है 10000 के आसपास और यह स्मार्टफोन लॉन्च होगा Realme Narzo 20A और Redmi 9 Prime को टक्कर देने के लिए। Infinix Hot 10 में हमें देखने मिलेगा 6.78 इंच HD+ डिस्प्ले, 5200mAh की बैटरी, 16 MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप और यह स्मार्टफोन चलेगा MediaTek Helio G70 प्रोसेसर पर। अगर आपका बजट 6000 के आसपास है और आप एक नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो तो पोको आपके लिए ला रहा है एक नया स्मार्टफोन। वैसे ये नया स्मार्टफोन तो नहीं है, ये है Redmi 9i जो बाकी कंट्रीज में लॉन्च हो चुका है और इंडिया में लॉन्च होने वाला है Poco C3 के नाम से। Poco C3 में हमें देखने मिलेगा 6.53 इंच HD+ डिस्प्ले, 5000mAh की बैटरी, 13 MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 5 MP का सेल्फी कैमरा और ये स्मार्टफोन चलेगा MediaTek के Helio G35 प्रोसेसर पर और ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा 6 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को Realme अपने दो नए स्मार्टफोन्स को इंडिया में लॉन्च करने वाला है जिनमें शामिल है Realme 7 Pro स्पेशल एडिशन और Realme 7 i। Realme 7 Pro वही सेम स्मार्टफोन होने वाला है Realme 7 Pro जैसा ही, लेकिन इसके डिजाइन में कुछ चेंजेस होंगे। इसकी बैक में हमें प्लास्टिक की जगह देखने मिल सकता है लेदर और इसकी प्राइस इंडिया में हो सकती है 20 से 25000 के आसपास। और जो दूसरा स्मार्टफोन है Realme 7 i उसकी इंडिया में प्राइस हो सकती है 10000 के आसपास और ये स्मार्टफोन में हमें देखने मिलेगा 6.5 इंच HD+ डिस्प्ले जो 90Hz रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करेगा। ये स्मार्टफोन में हमें देखने मिलेगा 5000mAh की बैटरी, 64 MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप, 16 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा और ये स्मार्टफोन चलेगा स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर पर। अगर आप वीवो के वी सीरीज और ओप्पो के एफ सीरीज के फैन हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि सैमसंग ला रहा है इन दोनों स्मार्टफोन्स को टक्कर देने के लिए एक नया स्मार्टफोन सीरीज जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी एफ सीरीज। सैमसंग गैलेक्सी एफ सीरीज में भी हमें देखने मिलेगा वीवो वी सीरीज और ओप्पो एफ सीरीज की तरह बहुत अच्छा कैमरा, बहुत अच्छा डिस्प्ले, बहुत अच्छा डिजाइन और काम चलाऊ प्रोसेसर। 8 अक्टूबर को सैमसंग अपना नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी F41 इंडिया में लॉन्च करने वाला है और ये स्मार्टफोन में हमें देखने मिलेगा 6.4 इंच फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 6000mAh की बैटरी, 64 MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप, 32 MP का सेल्फी कैमरा और ये स्मार्टफोन चलेगा सैमसंग के एक्सिनोस 9611 प्रोसेसर पर। सैमसंग गैलेक्सी F41 की इंडिया में स्टार्टिंग प्राइस हो सकती है 15000 के आसपास। 12 अक्टूबर को वीवो अपना एक नया स्मार्टफोन सीरीज इंडिया में लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है वीवो V20 सीरीज। वीवो V20 सीरीज में हमें 3 स्मार्टफोन्स देखने मिलेंगे जिसमें शामिल है वीवो V20, वीवो V20 Pro और वीवो V20 SE। इस वीडियो में हम वीवो V20 SE और वीवो V20 के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये दोनों स्मार्टफोन्स हो सकता है 25000 के अंदर अवेलेबल हो जाए, लेकिन जो वीवो V20 Pro होगा वो बहुत ही एक्सपेंसिव होने वाला है क्योंकि ये स्मार्टफोन में यूज किया गया है स्नैपड्रैगन 765 5G प्रोसेसर। सबसे पहले हम बात करते हैं वीवो V20 की। वीवो V20 में हमें देखने मिलेगा 6.44 इंच फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 4000mAh की बैटरी, 64 MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 44 MP का सेल्फी कैमरा और ये स्मार्टफोन चलेगा स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर पर। और जो दूसरा स्मार्टफोन है वीवो V20 SE उसमें हमें देखने मिलेगा 6.44 इंच फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले जिसमें हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने मिलेगा और ये स्मार्टफोन आएगा 4100mAh बैटरी के साथ, 48 MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 32 MP का सेल्फी कैमरा और ये स्मार्टफोन चलेगा स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर पर। 17 अक्टूबर को गूगल भी अपना एक बजट स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है गूगल पिक्सल 4a। गूगल पिक्सल 4a में हमें देखने मिलेगा 5.81 इंच ओलेड डिस्प्ले, 3140mAh की बैटरी जो फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करेगा। ये स्मार्टफोन में हमें देखने मिलेगा 12 MP का सिंगल रियर कैमरा सेटअप और 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा। लेकिन इसके कैमरा में मत जाइए, इसका कैमरा सेंसर छोटा हो सकता है लेकिन इस फोन का कैमरा क्वालिटी बहुत ही सुपीरियर होता है और ये स्मार्टफोन चलेगा स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर पर। गूगल पिक्सल 4a की इंडिया में एक्सपेक्टेड प्राइस है 25000 के आसपास। Xiaomi OnePlus 8 सीरीज और OnePlus Nord को बीट करने के लिए अपना एक नया स्मार्टफोन सीरीज इंडिया में लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है Xiaomi Mi 10T सीरीज। Xiaomi Mi 10T सीरीज में हमें देखने मिलेगा 3 स्मार्टफोन जिसमें शामिल है Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro और Xiaomi Mi 10T Lite। इस वीडियो में हम बात करेंगे Xiaomi Mi 10T Lite क्योंकि ये स्मार्टफोन हो सकता है 25000 के अंदर अवेलेबल हो जाए इंडिया में। Xiaomi Mi 10T Lite में हमें देखने मिलेगा 6.67 इंच फुल HD+ डिस्प्ले जो 120Hz रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करेगा। ये स्मार्टफोन में हमें देखने मिलेगा 4820mAh की बैटरी जो 3W फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करेगी और ये स्मार्टफोन आएगा 64 MP क्वाड रियर कैमरा सेटअप और 16 MP सेल्फी कैमरा के साथ। Xiaomi Mi 10T Lite में हमें उतना पावरफुल प्रोसेसर तो नहीं देखने मिलेगा जो हमने OnePlus Nord में देखा है, लेकिन ये स्मार्टफोन में यूज किया गया है स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर जो एक 5G प्रोसेसर है। Xiaomi Mi 10T सीरीज इंडिया में लॉन्च हो सकता है मिड अक्टूबर के आसपास।
अक्टूबर के महीने में ओप्पो भी अपने नया स्मार्टफोन सीरीज इंडिया में लॉन्च कर सकता है, जिसका नाम है ओप्पो F21 सीरीज। यह हो सकता है अक्टूबर के एंड में लॉन्च हो जाए या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में लॉन्च हो जाए, और इसकी कोई इन्फॉर्मेशन भी अब तक अवेलेबल नहीं है कि स्मार्टफोन की प्राइस क्या होगी, ये स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन क्या होंगे, लेकिन हो सकता है यह स्मार्टफोन अक्टूबर के एंड तक इंडिया में लॉन्च हो जाए। अक्टूबर के एंड तक इन्फिनिक्स अपने दो और नए स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च कर सकता है, जिनके नाम है इन्फिनिक्स नोट 8 और इन्फिनिक्स 08। इन्फिनिक्स नोट 8 की कोई इन्फॉर्मेशन अब तक अवेलेबल नहीं हुई है, सिवाय एक इन्फॉर्मेशन के जो है ये स्मार्टफोन में हमें देखने मिलेगा हीलियो G70 प्रोसेसर। और जो इन्फिनिक्स का दूसरा स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स 08, वो इन्फिनिक्स का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन है, जिसमें हमें देखने मिलेगा 6.85 इंच फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, 4000mAh की बैटरी, 64MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप और 48MP का डुअल सेल्फी कैमरा। और ये स्मार्टफोन चलेगा MediaTek हीलियो G90 प्रोसेसर पर, और ये स्मार्टफोन की प्राइस इंडिया में हो सकती है 15,000 के आसपास। तो यही थे वो स्मार्टफोन्स जो अक्टूबर के महीने में इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं और जो बजट सेगमेंट में लॉन्च होने वाले हैं। आपको इन स्मार्टफोन्स में से कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा पसंद आया है और कौन से स्मार्टफोन के लिए आप वेट करना चाहेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।